हड़ताल पर जा रहे हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में एक बार फिर शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का फैसला ले लिया है। पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदेश के शिक्षक 13 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इस बार 75,000 शिक्षक हड़ताल में शामिल होंगे। इस बार 3 स्थानों पर धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई है। उनका कहना है कि अनुमति मिली तो ठीक, वरना आंदोलन होगा। आपको बता दें कि इसी दिन से विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। शिक्षक संघ भोपाल में रैली निकालकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने जाना चाहते हैं और अपनी मांग और समस्या बताने की इनकी रणनीति है। मध्य प्रदेश आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल का दावा है कि प्रदेश में 25,000 शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का आवेदन दे दिया है। ये संख्या अगले 2 दिन में बढ़कर 75,000 हो जाएगी। एक साथ आप सोचिए, 75,000 शिक्षक हड़ताल पर जाएंगे तो क्या होगी स्कूली व्यवस्था, किस तरह से शिक्षा का ढांचा उठ खड़ा होगा मध्य प्रदेश में, या हम कह सकते हैं कि ध्वस्त होगा, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1-2 दिन की हड़ताल नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, ऐसा शिक्षक संघ का दावा है। और खास बात ये भी है कि चुनावी साल है, विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है मध्य प्रदेश में, और इसी दिन से शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। पहले जो संख्या है वो 25,000 होगी, लेकिन और भी शिक्षक यदि आवेदन देते हैं और इस हड़ताल से जुड़ते हैं तो संख्या 75,000 भी हो सकती है। अब इनकी मांगे क्या है, आपको बता दें, पुरानी पेंशन बहाली करने की मांग है इनकी, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, अनुकंपा नियुक्ति जो अटकी है उसे दिया जाए, क्रमोन्नति की मांग है, और साथ ही समयमान वेतनमान सहित अन्य मांग भी है इनकी, जिसको लेकर 13 सितंबर से यानी कल से ही अनिश्चितकालीन हड़ताल पर शिक्षक संघ जा रहा है। भोपाल में रैली निकालने की योजना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने की इनकी इच्छा है, साथ ही अपनी मांग और समस्या बनाने की पूरी रणनीति भी शिक्षक संघ ने तैयार कर रखी है। मध्य प्रदेश आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के अध्यक्ष भरत पटेल ने भी दावा किया है कि प्रदेश में 25,000 शिक्षकों ने हड़ताल पर जाने का आवेदन पहले ही दे दिया है और यह संख्या अगले 2 दिन में बढ़कर 75,000 हो जाएगी। और आपको बता दें कि शांतिपूर्ण आंदोलन भी करने दिया जाए, ये भी इनकी मांग है। और इस बार 3 स्थलों पर धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी गई है और शिक्षक संघ ने साफ किया है कि यदि हमें अनुमति मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन तब भी करेंगे। आपको बता दें कि 13 सितंबर यानी कल से ही विधानसभा का मॉनसून सत्र भी शुरू हो रहा है। 50,000 शिक्षकों का निधन हुआ था जिसके बाद से पद खाली हुए थे। इन पदों पर उनके स्वजनों का अनुकंपा नियुक्ति दी जानी थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। शर्तें भी रख दी गई कि नियुक्ति नहीं हो सकती। किसी शिक्षकों को पहले से पता नहीं था कि उनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा शिक्षक संघ का कहना है। और ये भी कहा है कि यदि पता होता तो हम पहले से ही अपने परिवार वालों को बीएड डीएड करा कर रखते। दरअसल जो शर्त है वो ये है कि यदि आपको अनुकंपा नियुक्ति चाहिए तो अभ्यर्थी का बीएड डीएड पास होना अनिवार्य है, इसका सर्टिफिकेट रखना। सरकार बीएड डीएड की मांग कर रही है। वहीं 2006 से 2010 के बीच नियुक्ति शिक्षकों को साल 2018 से 21 में क्रमोन्नति समयमान वेतनमान दिया जाना था, जो अब तक नहीं मिला है। और आपको बता दें कि सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों को 500 से 2,000 रुपये तक की पेंशन भी मिलेगी, जिससे परिवार का भरण पोषण नहीं किया जा सकता। इसलिए पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग इनकी लगातार बनी हुई है। और वहीं प्रदेश में अध्यापक से शिक्षक बने कर्मचारियों की संख्या 2,87,000 है, 2 लाख से ऊपर इनकी संख्या है। अध्यापक से जो शिक्षक बने इन कर्मचारियों की संख्या 2,87,000 है। और पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति, क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान सहित अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान इन शिक्षकों ने कर दिया है। और 13 सितंबर यानी कि कल से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। कल से ही मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र भी है। आपको बता दें कि पहले जो संख्या है वो 25,000 शिक्षकों की होगी हड़ताल पर जाने की, लेकिन शिक्षक संघ का यह भी दावा है कि अगले 2 दिन में यानी कि 15 सितंबर तक ये जो संख्या है वो बढ़कर 75,000 हो जाएगी। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक यदि हड़ताल पर जाते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों का, स्कूली बच्चों का तो नुकसान होगा ही, लेकिन शासन प्रशासन के भी हाथ पांव फूल सकते हैं कि इतने शिक्षकों को नियंत्रित कैसे किया जाए। हालांकि अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी आंदोलन करने की बात शिक्षक संघ कह रहा है। अब फिलहाल देखना होगा कि एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र, दूसरी तरफ अनिश्चितकालीन हड़ताल शिक्षकों की। सरकार को विपक्ष भी मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को लेकर के घेर सकता है और कल सत्र का जब पहला दिन होगा तो ये मुद्दा भी गूंज सकता है। तो लगातार इनकी मांगे अपनी जगह बनी हुई है, लेकिन शिक्षक संघ का कहना है कि अभी तक सरकार ने इन मांगों पर संज्ञान नहीं लिया है। तो यदि बात नहीं बनती है तो ये हड़ताल बहुत लंबी भी हो सकती है, क्योंकि शिक्षक संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। तो आपको बता दें, शिक्षक संघ अपनी मांगों को लेकर कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहा है।
हड़ताल की पूरी रूपरेखा शिक्षक संघ ने तैयार कर ली है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक अनुमति नहीं दी गई है। 3 स्थानों पर धरना प्रदर्शन की अनुमति की मांग शिक्षक संघ कर रहा है, ताकि इन स्थलों पर जो तमाम शिक्षक हैं वो बैठ सकते हैं और अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और शिक्षक संघ ने यह भी कहा है कि अनुमति मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन तो हम तब भी करेंगे और उग्र रूप से करेंगे। शिक्षक संघ ने यह भी कहा कि पिछली बार भी जब हमने आंदोलन किया था तब इसे पूरा नहीं होने दिया गया था। और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। फिरोज जी, शिक्षक संघ पहली बार नहीं है कि अपनी मांगों को लेकर इस तरह की हड़ताल का ऐलान किया है, पहले भी शिक्षक संघ का आंदोलन हुआ है, लेकिन अभी तक जो उनकी मांगे हैं पुरानी पेंशन बहाल करने की, क्रमोन्नति की, समयमान वेतनमान की, वो पूरी नहीं हुई है। क्या आपको लगता है कि जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक हड़ताल पर जाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों का तो नुकसान होगा ही, लेकिन सरकार को भी अब इस पर संज्ञान लेने की जरूरत होगी? फिरोज जी, देखिए, विपक्ष और माननीय कमलनाथ जी लगातार चेता रहे हैं और विपक्ष हमेशा ध्यान आकर्षित कर रहा है सरकार का कि जो शिक्षा व्यवस्था है प्रदेश की उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। पहले जो वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जो चयनित शिक्षक थे वो हड़ताल पे हैं कि वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं कि उनको जो है सरकार ने लिया नहीं है, नौकरी पर नहीं दिया, उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया। दूसरा स्थिति ये है कि 22,000 से ज्यादा स्कूल जो है वो हमारे शिक्षक विहीन हो गए हैं, ये एक स्थिति है। तीसरी बात ये है कि जो हिस्ट्री का टीचर है वही फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही मैथ्स पढ़ा रहा है, स्कूलों में भारी कमी है। और उसके बाद इन सब चीजों के बाद जो वर्तमान में अभी शिक्षक हैं वो यदि हड़ताल पे जा रहे हैं, इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था की तरफ सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। कांग्रेस पार्टी माननीय कमलनाथ जी ये मांग करते हैं कि जो शिक्षकों की मांगे हैं उनको सरकार अक्षरशः पूर्ण करे, शिक्षकों को संतुष्ट करें और उनको संतुष्ट करें, ताकि जो शिक्षा है वो देश की प्राथमिकता है। और शिक्षक ही जब सड़कों पर रहेगा तो देश की जो नौनिहाल है, जो देश का भविष्य है, इनके भविष्य का क्या होगा? इससे देश का पूरा भविष्य चौपट होने का खतरा जो है मंडराने लगा है। इसलिए फिर हम पुनः आग्रह करते हैं सरकार से कि सरकार शिक्षकों से तुरंत बात करे, हड़ताल पे जाने से पहले उनसे सरकार का प्रतिनिधि चर्चा करे और उनकी हड़ताल को जो है सहानुभूति पूर्वक उनकी मांगों को मानते हुए जाने से पहले नहीं चर्चा कैसे हो पाएगी, क्योंकि मुश्किल से हम कह सकते हैं 24 घंटे से भी कम का वक्त है, क्योंकि कल से ही इनकी हड़ताल है और कल से ही फिरोज जी मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। विपक्ष तो सरकार से आग्रह कर रहा है, लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेर भी सकता है सदन में? देखिए, हम तो घेरेंगे, हम जो है सरकार का रवैया जो है सदन में जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 5 कुल बैठकें हैं, मानसून सत्र है, हमको स्थगन प्रस्ताव अगर हम देना चाहें, जैसे बाढ़ आई, कारम डैम टूटा और ये तीसरी जो है शिक्षकों की मांगों को लेकर समय ही नहीं है सरकार के पास। फिरोज जी, सरकार से भी हम जवाब ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। शिक्षक संघ हड़ताल पर जा रहा है और कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सरकार ने इनकी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया, तभी ये स्थिति बनी है। क्या अब सरकार इनसे किसी तरह की बात करेगी, क्योंकि कल से सदन का सत्र भी शुरू हो रहा है और कल से ही इनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू होगी? राकेश जी, देखिए, मध्य प्रदेश में कर्मचारी हितैषी सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार काम कर रही है जी। संवेदनशील मुख्यमंत्री लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रहे हैं जी। कोरोना काल के बाद पूरे देश की वित्तीय स्थिति किसी से छुपी नहीं, प्रदेश की वित्तीय स्थिति किसी से छुपी नहीं, उसके भी बावजूद भी कर्मचारियों को डीए दिया गया जी। जो कांग्रेस सरकार में सिर्फ लॉलीपॉप पकड़ाने का काम कर्मचारियों और शिक्षकों को किया जाता था, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको डीए दिया, उनका 7वां वेतनमान लागू किया जी। अभी भी मैं बार बार इस विषय पे बैठ रहा हूँ तो एक बात जो निकल के आ रही है जी, कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री हो, मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग के PS हो, सबके दरवाजे इन शिक्षकों के लिए खुले हुए हैं। चलिए, तो सबके दरवाजे शिक्षकों के लिए खुले हैं और बात बन भी सकती है, संकेत भाजपा दे रही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर।